हाय गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त पवन। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर कि एक्सेल में किसी डेटा के अंदर किसी टेक्स्ट नंबर को कैसे हाईलाइट करें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ। जैसे आपके पास कोई डेटा है, जैसे मेरे पास ये अटेंडेंस शीट का डेटा है। दोस्तों, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर उन लोगों का अटेंडेंस है। ठीक है, अटेंडेंस मतलब यहाँ पर अब्सेंट, प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस वाले डेटा में हम सिर्फ जितना अटेंड अब्सेंट हैं उस वाले टेक्स्ट को हम हाईलाइट करें। ठीक है, ये देखिए हमने पहले से हाईलाइट करके रखा है दोस्तों। तो अगर इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने डेटा के अंदर से, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें दोस्तों तो इसके अंदर भी आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसके अंदर जो ए है उसको हम हाईलाइट कर दें, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का आपका डेटा है दोस्तों, तो उस तरह से आप जिस तरह से आप जो किसी टेक्स्ट को नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कैसे हाईलाइट करते हैं किसी अपने डेटा के अंदर किसी टेक्स्ट को नंबर को। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मेटिंग को डिलीट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से दोस्तों ये होम टैब में जाना हुआ। होम टैब फिलहाल इसमें खुला हुआ है। इसके बाद कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से क्लियर फ्रॉम सिलेक्ट इंटायर शीट पर क्लिक करें। ये देखिए पूरा पूरा हमारे यहाँ से फॉर्मेटिंग डिलीट हो चुका है। तो हम सीखने वाले हैं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले अपने डेटा के अंदर ये पूरा पूरा जितना लगाना है उतना सेलेक्ट करके इस तरह से। ठीक है, इसके बाद होम टैब में जाएंगे, यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे सबसे ये न्यू रूल पर। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल दैट कॉन्टेन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से सेल वैल्यू पर रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप बिटवीन सेलेक्ट रहना चाहिए, आप यहाँ से बिटवीन सेलेक्ट आपको करना होगा। इसके बाद इसमें आप जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, अगर इसमें से आप पी को हाईलाइट करना चाहते हैं प्रेजेंट को, तो आप पी को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर एट को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पर ए को हाईलाइट करेंगे। तो इस दोनों सेल में आप जो इस खाने में ए दोनों ए टाइप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट सेल पर आ चुके हैं। और यहाँ से आप किस तरह से दोस्तों पहले फॉन्ट चूज करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का फॉन्ट चाहिए, रेड चाहिए कि नीला चाहिए कि ब्लू चाहिए, जिस तरह चाहिए आप कर लीजिए। मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ और यहाँ से बॉर्डर पर नहीं चलूँगा, फिल में जाऊँगा, किस तरह से आपको कलर यहाँ पर हाईलाइट हो। तो मैं ले लेता हूँ ये नीला वाला, चलिए मैं रेड ही ले लेता हूँ। और फॉन्ट कलर की जगह कोई दूसरा टेक्स्ट में यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से पीला वाला। और यहाँ से मैं दोस्तों ओके करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है कि वहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट होगा और ओके, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से ये देखिए पूरा पूरा टेक्स्ट यहाँ से हाईलाइट हो चुका है इस तरह से। तो दोस्तों ये होता है एक्सेल में किसी डेटा किसी टेक्स्ट को नंबर को हाईलाइट कैसे करें। ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों के लिए यूजफुल होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।